ओह माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल सनराइज। सन दिखा भी नहीं फिर भी ब्यूटीफुल लग रहा है। सोचो, आई ओनली वन थिंग टू से अबाउट दिस लोकेशन, मोए मोए। ऑडियो रिकॉर्डिंग की निंजा टेक्निक। एक बार तुम निकालोगे ना अपना डंडा लंबा, आई मीन कैमरा का। 5 AM एंड रेडी टू लीव। पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं दुश्मन के साथ बैठा हूँ। जो मेरे साथ रेस कर रहा है वही मेरे साथ चल रहा है, क्या बात है। सब पहली बार हुआ है 17-18 सालों में कि सन आने से पहले हम आगे शूट लोकेशन पे, एंड द सन इज नॉट आउट, विच मीन्स वी आर गोइंग टू वेट फॉर सम टाइम टू स्टार्ट शूटिंग। वरना रात में शूट करेंगे, लाइट के साथ हमें क्या फर्क पड़ता है। हाँ, ठंड तो हो रही है अभी, टेम्परेचर इज लाइक आई थिंक 11 degrees या समथिंग। होपफुली आज शूट खत्म हो जाए यार, बहुत नींद आ रही है, आई नीड स्लीप थेरेपी नाउ। गंदार गंदार आउडी आउडी गंदार, तुम दोनों एक दूसरे से मिल गए हो, अब जाओ लगाओ गाड़ी। अभी साले सैंडविच खाने दे मेरे को। अरे बेचारे को क्यों पानी में डाल रहे हो, वही ना बेचारा, शर्म आती है तुम्हें। उसको घर लेके जाओ। नहीं नहीं इतना भी नहीं है प्यार। ओह माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल सनराइज। सन दिखा भी नहीं फिर भी ब्यूटीफुल लग रहा है। सोचो, एंड सनराइज इज हियर, वी आर शूटिंग। गंदार इज द लाइटमैन टुडे। हर बात पे चीयर्स चीयर्स बोलने से ना तेरे को दारू नहीं मिलने वाली फ्री की। दारू नहीं पीता, मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं तो वर्जिन हूँ, ये भी बोल दे भाई। ये कौन से वेरिएंट हो तुम? कौन से वेरिएंट हो? दिस इज अ लोकी टी-शर्ट, इफ यू ओमाइक्रॉन। एनीवेज आई हैव टू गिव इट टू यू, पहली बार मैं इसको अप्रिशिएट कर रहा हूं कैमरा पे। गुड लोकेशन गुड टाइमिंग ब्रो, क्या लग रही है गाड़ी। एक घंटा जल्दी आने के बस एक छोटी सी चीज करनी थी, तुम पानी ले आते ना और भर लेते हैं यहां पे, थोड़ी सफाई कर लेते। आई डू नॉट लुक किलर, आई नो, मेरी भाई नहीं आई आज। ऐसी टाइप की सुबह कब होती है बताओ। ये देखो व्यू, माय गुडनेस, ये क्या बग चल रही है। देखो गंदा यहाँ पे सफाई कर रहा है, ठीक से कर भाई ठीक से। अरे भाई 200 ज्यादा ले ले, लेकिन अच्छे से साफ कर दे। जो सफाई गाड़ी बहुत साफ करनी पड़ती है, गंदी हो जाती है। सेक्सी सुबह उठने का फायदा तो है। नींद भी बहुत आ रही है अब। ये यहाँ पे एक इस बर्ड्स है, उड़ा दो। सोच रहा हूँ कंपास को किस गाड़ी के साथ रिप्लेस करूँ। सोच रहा हूँ कि कोई 1.5 TSI इंजन के साथ करें, शायद स्लाविया या फिर वर्टुस या ऐसा कोई गाड़ी के साथ करते हैं। बट कंपास रगेड है, फोर व्हील ड्राइव इज इम्पोर्टेंट फॉर अ सपोर्ट का। एवरी डे ट्रैफिक जैम, क्या चल रहा है। हट जा भाई, अब समझ आ रहा है फ्लाइंग कार की क्यों ज़रूरत है। क्या हुआ है सारा डोडबोड़ है पेन। जब भी आता है ना गंदार को देख के आ जाता है, बोलते मैं सुन सकता हूँ अपने भाई को। आ गंदा, तुम्हारा कोई बेचारा भाई है? ओहो, अभी अभी बोल रहा है लेट मी वर्क। दो दिन से क्या कर रहा था, कंपास कॉइल फ्रेम में डाल रहा था। आज तो अपन भी ट्रैकर बन गए हैं, जस्ट टू फील कि बेस जंपर को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। सुनो ना, तुम लल्लू लोग ऊपर चढ़ जाओगे, मदद चाहिए। देख सवाल तो मैं हाथी मेरे साथी की, दैट्स द जोश। आई हैव ओनली वन थिंग टू से अबाउट दिस लोकेशन, मोए मोए। आ जा भाई, स्मोकिंग छोड़ता था लंग में कैपेसिटी होती तेरे। गाइस जल्दी शूट करो यार, पनवेल निकलना है एक्चुअल में। जुबेर जुबेर सुनो ना, जुबेर धक्का मत मार देना, उसके खुद की पड़ी, उसके पैर की कोई नहीं। पट्टू इंसान, हां है तो जोश, वेयर इज द जोश। ओके क्वेश्चन, इफ साजिद एंड गंदा बोथ जंप एट द सेम टाइम, नीचे पहले कौन पहुंचेगा? साजिद। रॉन्ग, साजिद नीचे पहुंचेगा, गंदा ऊपर पहुंचेगा। पता है कितने साल हो गए ये ले हुए? 2 साल। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग इट। मतलब वो एनजी था ना, तो उसको यूज नहीं बोलते, वो तो नॉट गुड फुटेज। व्हाट इज दिस? ओ, इसके ऊपर का थ्रेडिंग का रबर है। इसका क्या ही करने वाले,
I have it, bro. तुम लोग कर क्या रहे हो? बॉल एक्सचेंज? सुबह तुम अपनी बॉल गंदार को दे रहे हो, गंदार तुम अपनी बॉल उसको दे रहे हो। गंदार कितनी बॉल है तुम्हारे पास? उधर भी एक चाहिए बेसिकली। आई विल डू दैट। अरे दो ही बॉल होती है एक आदमी के पास। चलो फाइनली कोई अच्छी जगह मेरी लंच के लिए। महाराष्ट्रीयन थाली खाएंगे अपन आज। ये बंदा तो गंदार की तरह लग रहा है थोड़ा बहुत। बाय द वे यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर कट, आउटसाइड बेवरेजेस आर नॉट अलाउड इन दिस रेस्टोरेंट प्रेमिसेस। व्हाट अ बैड थ्रो। इतना छोटा सा थ्रो करना था, तुम लोग सालों इतना भी नहीं थ्रो कर सकते। और वीडियो देख रहे हो, लाइक करो। चलो कोई तरीका है भीख मांगने का? एक चीज मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम सब लोग इतनी दूर दूर क्यों बैठे हो? 3 किलोमीटर दूर, 6 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर दूर। मैं बोल रहा था भाई, स्मोकिंग और वजन दोनों डेंजर चीज होती है। कौन सा चेयर नहीं गिरता बोल रहे हो? ये नहीं गिरता पीछे करने पे? नहीं, ये पीछे गिरेगा तो नहीं गिरेगा बिल्कुल। और ये गिरेगा तो आप यही रहने दो यहाँ पर। वो भैया को दो चार बार गिरेंगे ना तो समझ जाएंगे। क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं। हाँ चुप हो गया ना कैमरा के सामने? नहीं, मैं बोला कि हमारे मसाला क्यों डालते हो। वो बंदा पूछ रहा है कि क्या हुआ, वो बेचारे गिर गए। मैंने कहा वजन से नहीं, वजन की वजह से नहीं, दारू पी के आए थे। कुछ भी क्या मतलब कि दारू पीने में लॉजिक क्या? लॉजिक है देखो, ग्लास उठाया, हाँ, इसमें 2 बूंद अगर वोडका के डाल दिए तो कौन रोकने वाला है बताओ? बात तो सही है, बिल्कुल सही है। और पते की भी है, पर छूट खाती है, छापी नहीं। अच्छा ये क्या बोल रहा था ना, उसने जानबूझ के ये चेयर लगाई ताकि तुम गिर सको। उसका नाम भी फैजल नहीं, वो जुबैर ने बोला था ऐसे उसको। वापस बोलो। 3 दिन बाद अच्छा खाना मिलता, कल तो खा ही नहीं था। ब्रो एवरी फूड इज गुड, you should thank god and eat whatever you get। hypocrisy ki seema hoti hai। kya hua gandar, kya bol rahe ho? wapis karo। nahi nahi kuch ungli kya dikha rahe the? this good। nahi nahi ungli kya dikha rahe the pehle batao। nahi ye nahi, dusri ungli kya dikha rahe the? nahi nahi tum aise kya dikha rahe the? aise 2 number aa raha hai, theek hai jao। सुन एक बात, बोल मैं रहा था शब्द तेरे थे, तू जानता है। गंदा बिल गैस करो, रफ गैस मारो। 1500। वन मोर गैस। सही था क्या? बहुत क्लोज हो तुम। अच्छा 1638 रुपीज़। 3633। ठीक है चार लोग हैं। बेस्ट नहीं चला जाता थम्सअप के। 100 रुपीज़ फॉर दैट स्मॉल बॉटल, 100 रुपीज़ फॉर वन थम्सअप, 100 रुपये अलग ही लूट मचा के बैठे साले। और फ्रेश लाइम सोडा 125 रुपीज़, वो छोटे से फ्रेश लाइम। ठीक है थम्सअप, थम्सअप मतलब ये 20 रुपये की थम्सअप, ये 5 गुना कैसे बेच रहे हैं? अब इसका कौन पे करेगा? तुम। घंटा। चलो अभी बर्तन धोने, लेट्स गो गाइस, वी नीड टू वॉश यूटेंसिल्स। जुबैर बिल गेस कर कितना आया होगा? ये सब छोड़ दें, बाहर जाते हैं सामान डम करते हैं होटल में, थम्सअप की कैन उठा के इन सालों को ही बेचते हैं वहाँ पे। बोलते 100 नहीं 80 में बेचते, चल 4 गुना फिर भी तो हुआ ना। इस साली की भैंती। आई सॉ वेरी गुड रेस्टोरेंट, वेरी गुड रेस्टोरेंट। तुम्हें चाहिए होता मैं तुम्हें ले जाता ना अच्छे रेस्टोरेंट शालीमार। ऑडियो रिकॉर्डिंग की निंजा टेक्निक, अब इसको उस पे चिपका दो, सिंपल। हेलो डन। ये मुझे इतना सिक्योर तो नहीं लग रहा। सिक्योर हो जाएगा, कर लेंगे। एक ऐसे एग्जॉस्ट पे भी लगाई दो, एग्जॉस्ट के अंदर कैटलिटिक कन्वर्टर निकाल के। इंजन ही खोल दो ना, हेड में डाल दो, पिस्टन ऊपर आएंगे। स्लो मोशन में लेते 120, ए1 डालो। आउडी नाराज हो जाएगा ऐसे करूंगा तो। साजिद लेट्स प्ले अ गेम, गेस द बिल। हाउ मच वाज द बिल गेस? 1500। ओह गॉड, ऑल ऑफ यू आर लिविंग इन 2000s। चेक दिस आउट, होली शिट, 100 रुपीस फॉर द 20 रुपीस थम्स अप। सो नाउ यू गाइस लीव विद द कार, आई एम सेटिंग अप अ रेस्टोरेंट बाजू में, आई विल सेल इट फॉर 98 रुपीस, चीपर देन ही। गर्म नहीं हुआ? क्या बात कर रहे हो, पता है क्या आवाज आ रही थी कंटिन्यूअसली? पूरी हिसिंग ही चल रही है। हाँ हिसिंग ही चल रही है अंदर, सुन लो ना एक बार हेडफोन्स पे। खुद के टी-शर्ट पे चिपका नहीं है। अरे क्या चल रही, तुम लोग बच्चों हो क्या? ये ना जो पूरा इसने गंदी सी टेप लगाई थी ना, चिपक गई माइक पे, माइक की बैंड बज गई है। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं सुनाई दे रहा? क्योंकि उसने प्ले नहीं किया ढक्कन। वापस दोनों के भौंक के हु लेट द डॉग्स आउट। क्या बे क्या हुआ? तो दो की फॉब मेरे पास थोड़ी है। हाँ सर। अरे ये तो आउडी की है, उसके पास है। बाय द वे ढक्कन वेट वाइप्स दे रहे थे ना, वेट वाइप्स में होता है ना,
अल्कोहल होता है। अच्छा मैं विस्तारा का लेके घूम रहा हूँ, विस्तारा ने दिया था उससे निकल गया पूरा वो, उसमें रहता है ना थोड़ा कुछ अल्कोहल कॉन्टेंट, तो साफ हो गया अभी माइक, अब मैं तुम्हें बेच सकता हूँ। तो समवन ट्रांसलेट मतलब व्हाट्स हैपनिंग आई नो तो वो ही थॉट दैट आई एम कॉलिंग हिम। अच्छा आई वाज टॉकिंग टू यू फ्रॉम द मिरर। ओह यू कुड हैव सेड गप्पा बस। नो टू मी नॉट हिम गप्पा बस। काना खाली दे चला पुड़े वा पुड़े चला लौकर चला पुड़े क्या बोल रहे हो तुम? वो सबटाइटल में नीचे डाला था आफ्टर थिंकिंग अबाउट बिरयानी। क्या अभी क्या चला रहे थे? बिरयानी। अभी इतना खा के आया 4000 का खाना ऑर्डर तूने अकेला किया, और मैंने गलती कही कि तुझे बोला कि तू ऑर्डर कर ले। तुमने 100 रुपए का सब ऑर्डर किया जो 20 मिनट में मिलता है। ठीक है ठीक है, डन डन डन। ऐसा कैसे माउंट हो गया अलग? एक बार तुम निकालोगे ना अपना डंडा लंबा, आई मीन कैमरा का, उसके बाद तो इलेगा चाहिए, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अश्लील है ये लोंडा। इन दोनों का चल क्या रहा है? देखो इन दोनों को। माय गॉड ब्रो, गंदा है। अरे अपसेट होके निकल गया यहाँ से। चलो वापस पहुँच गए रिजॉर्ट। ये लोग तो चेकआउट कर चुके हैं क्योंकि इनका शूट अभी कंटिन्यू होने वाला है। मैं चेकआउट करने आया हूँ, फ्रेशन अप होऊंगा, फुटेज ट्रांसफर करूंगा। सुबह हम निकले थे 4 बजे, अभी टाइम क्या हो रहा है पता है? 5:15। घर पहुंचते 8-9 बजेंगे। गाड़ी ऑलरेडी आज सुबह आ चुकी है, तो उसका शूट करना है कल सुबह एक और गाड़ी आ रही है, तो हेक्टिक तो बहुत ही ज्यादा है। बाय द वे इस जगह का नाम है ब्रेक द रूटीन। महंगा है 6000 पर नाइट, डोंट आस्क। एक चीज नोटिस करो, ऑडी चला रहे हैं तो यहाँ पे ऑडी का लोगो है। इसमें तो 5 नहीं 4 ही ऑडी का लोगो कैसे आ गया लॉक पे? पिछले 3 दिन इतने ज्यादा स्ट्रेसफुल हुए हैं कि मैं अभी बैल्कनी में आ रहा हूँ। मैं बैल्कनी एक भी बार आया ही नहीं हूँ। आई हैव जस्ट नॉट कम टू द बैल्कनी। बाय द वे आई थिंक अल्टरनेट रूम में बैल्कनी है, तो गंदा के रूम में बैल्कनी थी, यहाँ पे जो रूम है उसमें बैल्कनी नहीं थी, और बाजू में कोई बैल्कनी है ही नहीं। बट मुझे ऐसा बुरा लग रहा है कि बैल्कनी मैंने इंजॉय नहीं की। अभी फट से फुटेज ट्रांसफर करके निकलेंगे मुंबई, 3 घंटे लगेंगे रफली, और फिर एज ऑलवेज रश रश। फाइनली टाइम टू चेक आउट, अभी मुंबई पहुंचने में 3 घंटे लग जाएंगे। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द ड्राइव, लेकिन फ्यूल बनाना पड़ेगा ऑब्वियस यार। टर्बो पेट्रोल, अरे भाई ये क्या हो रहा है? ये तो जरूर हो गया आज मेरे साथ। अच्छा ये बाकी चीजें भी पड़ी हैं बूट में, ये क्या है? ट्राइपॉड वाइपॉड है क्या? एक्चुअली ये ग्रीन स्क्रीन है, उसका कुछ शूट करना था, टाइम नहीं मिला। फोक्सवैगन ग्रुप लिखा है यहाँ पे। गाड़ी में सही आवाज। गुड शूट ब्रो, लेफ्ट हैंड को मिला रहा है। गुड शूट यार, चलो टेक केयर, यू टू, सी यू गाइस सून। चलो जुबैर सून नहीं, सी यू टुमारो। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। दिखाओ ना गंदार क्या लेकर आए, दिखाओ दिखाओ। ये शीट लेकर आए, कितने की पड़ी? 750। तूने 7.5 थम्स अप वेस्ट कर दी उतने में। Now new currency is thumbs up. अरे नहीं, but उसी का roof बना के उसके नीचे thumbs up। एक secret बताओ, thumbs up is going to replace US dollars. Same बकती, सब के सब हाई बीम पे ही चलाते हैं, कोई लो बीम करता ही नहीं है। देखो भाई लोगों, मैं तंग आके मैं खुद हाई बीम पे आ गया हूँ कि चलो देख के मुझे एटलीस्ट कोई चेंज करे, बट नहीं, सब के सब वैसे के वैसे ही हैं। Meanwhile काफ़ी ज़्यादा टॉर्चरस ड्राइव रही है आज, इतनी लंबी, इतना ट्रैफिक, और क्यों थी चलाना, तो ऑब्वियसली GLA तो होनी पड़ेगी ना यार। तो आगे नहीं GLA, ये फेस लिफ्टेड मॉडल है, अब इसका वीडियो कल बनाना है, कुछ भी करके फिनिश करना है। एक और गाड़ी आ रही है, चलो ड्राइव करके पता लगाते हैं क्या इसमें नया। सबसे पहले मैंने गाड़ी की पोजीशन चेंज की है क्योंकि कल हम पता नहीं कितने बजे उठेंगे सुबह, तो गंदी ना हो। इसका कल शूट फिनिश करना है, एक और गाड़ी आ रही है उसका शूट पता नहीं फिनिश हो पाएगा या नहीं। कल मेरी एक बहुत बड़ी मीटिंग है एप्पल के साथ, तो उसके चक्कर में शाम को हमें निकलना ही है, मतलब दोपहर को ही निकलना पड़ेगा। Q3 की पोजीशन चेंज की है। बाय द वे हमने चलाई गाड़ी 650 किलोमीटर पिछले 2-3 दिन में, एवरेज स्पीड सिर्फ 28 किलोमीटर पर आवर, लगभग 24 घंटे तो हम गाड़ी चला रहे थे, और 6.8 किलोमीटर पर लीटर माइलेज आई क्योंकि आधे से ज्यादा तो गाड़ी ऑन ही थी क्योंकि हम शूट कर रहे थे। चलो मजेदार शूट हो गया Q3 के साथ, बहुत मजा आया ये गाड़ी चला के। GLA चला के फील होता है कि Audi बेटर गाड़ियां बना रहे हैं कई कई सेगमेंट्स में, बिकॉज ये गाड़ी बहुत ही मतलब डजंट फील लाइक अ चीप कार। GLA में ऐसा लगता है थोड़ी कॉस्ट कटिंग इधर की है, थोड़ी मतलब इंटीरियर बनाई है, इंटीरियर बिल्कुल नहीं फील करती यार Q3।
कैसे कैसे बना दिया ऑडी ने, मजा आ गया चला के। इनफैक्ट Q3 मेरी हमेशा से फेवरेट रही है। मुझे याद है ऑलमोस्ट 10 साल पहले उन लोगों ने Q3 स्पोर्ट निकाली थी 25 लाख रुपए की, जिसमें मैनुअल गियरबॉक्स था 140 हॉर्स पावर। वो गाड़ी से बेटर कोई गाड़ी चलती नहीं, क्योंकि मैनुअल इज अ मैनुअल। ऑलमोस्ट 3 घंटे बाद अंदर भाई साहब स्मोकिंग करते करते पहुंच ही गए। 3 घंटे से वेट कर रहा हूँ मैं नीचे तुम्हारा, तुम कहाँ थे? इतनी सिगरेट मत पिया करो कि मतलब तुम दूसरे दिन पहुंचो। गर्लफ्रेंड को लेके घूम रहा था मैं। जुबैर तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी? ओह माय गुडनेस, सुप्रिया को पता है क्या? रिवील कर दो। रिवील। चलो चलो कंपास की अभी ये फिलहाल पार्किंग बना दी, क्योंकि इसका शूट वूट नहीं करना ना, तो ऊपर से जितना चिड़ियाओं को करना है कर लो, लेकिन जब मैं शूट करने वाला हूँ ना तब बिल्कुल गंदी मत करना गाड़ी। कांग्रेचुलेशंस ऑन योर न्यू बाइक ब्रो। थैंक यू। अब ट्रीट तुम दोगे? 2 मिलियन तुम्हारे हो गए, तुम ट्रीट। नहीं नहीं, बाइक बड़ी चीज है, मिलियन कुछ नहीं चलता। वो 2 मिलियन के यूट्यूब जो रेवेन्यू है ना, उसमें ये 2 आ जाएगी। 2 तो नहीं आएगी, बट एक तो आ जाएगी। ठीक है ना, बराबर हो गया। 2 दिन घर से गैप था और 4 पैकेजेस आ गई हैं, इसमें से एक बहुत एक्साइटिंग चीज है, ये विस्तारा ने भेजा है। सबसे ज्यादा गाली मैं ही विस्तारा को देता हूँ, सबसे ज्यादा ये मुझे ही भेजते रहते हैं ये सब चीजें। एक्चुअली मैं गोल्ड मेंबर था, फिर मैं सिल्वर बन गया, अब मैं वापस गोल्ड बन गया। मैं ये सोचता हूँ ऊपर नीचे करता रहता ताकि ये सब मुझे बकचोदी भेजते रहे ये लोग। ये बकचोदी देखो, इन लोग ने ना ये बना के रखा है टैग, ये भेज दिया है, कार्ड बना के भेज दिया है, ये सब कर दिया है। एंड जो इम्पोर्टेंट चीज का मैं वेट कर रहा था वो ये है एप्पल वॉच, क्योंकि काफी पुरानी होगी मेरी घड़ी, तो मैं सोचा चलो अभी नई वाली। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है USB-C टू हेडफोन जैक मेरे पास है ना, अपने मतलब मेरे GoPro बैग में क्या पड़ा रहता है पता है? लाइटनिंग टू हेडफोन जैक। ठीक है, लाइटनिंग टू हेडफोन जैक। अभी क्या होता है कि कभी कभी माइक में बैटरी नहीं होती तो मैं डायरेक्ट केबल लगा के कर लेता हूँ। अब ये मेरे पास फोन चेंज करने के बाद था नहीं, अभी मुझे रियलाइज हुआ इतने महीनों बाद। जुबैर एक काम करोगे, ये बोर्ड हटवा दो यार, बीच में आते हमारे फ्रेम में हमेशा। बच्चा पार्टी को गाड़ी बहुत पसंद आ रही है, इतना लेट हो रहा है। जो भगाई है ना, इसके रेडिएटर की आवाज सुनो, गर्म होगी, गर्म।